एचपीडीए ने 3 प्रकरण में ध्वस्तीकरण एवं 2 प्रकरणों में की सीलिंग की कार्रवाई। आपको बता दें कि हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज भी 3 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और 2 जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। जानकारी के अनुसार ग्राम शाहपुर जट NH9 बाबूगढ़ पर लगभग 12,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग। NH9 से दक्षिण स्थित ग्राम बचलौता में पेट्रोल पंप से लगभग 400 मीटर पश्चिम में सड़क के उत्तर तरफ लगभग 13,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग। बाबूगढ़ बचलौता रोड पर खसरा नंबर 77/2 पर लगभग 15,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किए जाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान प्राधिकरण का बुलडोजर जमकर गर्जा। इसके अतिरिक्त श्री जगवीर द्वारा ग्राम बचलौता निकट HP पेट्रोल पंप, बाबूगढ़ में निर्मित 5 दुकान तथा गढ़ रोड बाबूगढ़ थाने के निकट अवैध रूप से निर्मित 3 शेड के निर्माण को सील किए जाने की कार्यवाही की गई। इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन TK जैन, अवर अभियंता नीरज शर्मा व अंगद सिंह व प्राधिकरण का सचल दस्ता सम्मिलित थे। सचिव हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को पुनः चेतावनी दी गई कि वह अवैध कॉलोनी विकास निर्माण को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही करने के साथ साथ ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।